हेलो दोस्तों, आप जरूर सोचते होंगे क्या यार वही पेप्सी कोको कोला क्या और दूसरी कोई कंपनी नहीं है, या फिर कोई इंडिजीनियस कंपनी नहीं है? तो जी हाँ, एक इंडिजीनियस कंपनी है जो कि है पार्ले एग्रो। पार्ले एग्रो, ये तो पार्ले जी बनाती होगी ना? जी नहीं दोस्तों, ये पार्ले कंपनी का एक सब्सिडरी ब्रांड है या ऑफशूट ब्रांड है जिस पार्ले एग्रो कहा जाता है। यह 1984 में मुंबई में खोला गया था और इसके चेयरमैन और एमडी है प्रकाश जयंती लाल चौहान। आपको पता है आपकी परी फ्रूटी और सबकी फेवरेट एप्पी फीस पार्ले एग्रो ही बनाती है, और यहाँ तक कि बेली वाटर ड्रिंकिंग बोतल और बिस्लरी भी पार्ले एग्रो ही बनाती है। और आप लोगों ने थम्सअप टेस्ट दी थंडर का नाम तो जरूर सुना होगा। यह कोको कोला की कंपनी आज है, लेकिन क्या आपको पता है एक टाइम पर यह पार्ले एग्रो की ही एक कंपनी थी। यह एक टाइम पे पार्ले की सबसे हिट कोल्ड ड्रिंक ब्रांड थी, लेकिन जैसे ही कोको कोला आया उसने पार्ले से थम्सअप खरीद लिया, और थम्सअप ही नहीं, यहाँ तक कि माजा और लिम्का भी एक समय पर पार्ले की ही थी, लेकिन कोको कोला ने उसे भी 1993 में खरीद लिया। आपको पता होगा कि जैसा कि कोको कोला 1977 में कुछ नॉर्म्स के कारण, जो कि कुछ इस प्रकार थे कि कोको कोला को अपने इंडियन ऑपरेशन में उनकी ओनरशिप जो थी उनकी कंपनी में उसे कम करना होगा, इसका कारण कोको कोला को काफ़ी लॉस होता, और उसी के कारण कोको कोला भारत को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और सिर्फ कोको कोला ही नहीं, इसके साथ ही 50 और बड़ी कंपनियां ने भारत को छोड़ दिया, जिसका फ़ायदा उठा के पार्ले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में एंटर किया और लाया अपना थम्सअप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट, जो कि उस समय काफ़ी हिट हुआ और काफ़ी लोगों ने इसका मजा लिया। लेकिन फिर 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, यानी बहुत से विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए बुलाया गया, तब पार्ले की हालत ख़राब हो गई और अंत में उसने थम्सअप और लिम्का को 1993 में कोको कोला को बेच दिया। उसके बाद आपको ये पता होगा कि धीरे धीरे कोको कोला ने चाहा कि क्यों ना हम थम्सअप को बंद करके अपना ही जो ब्लैक ड्रिंक है कोको कोला उसे आगे बढ़ाएं, लेकिन भारतीय ग्राहकों को यह पसंद नहीं आया और यह आइडिया कोको कोला को बैकफायर हो गया। यह देखते हुए कोको कोला ने तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन देते हुए वापस थम्सअप को लॉन्च किया, और आज थम्सअप सभी लोग पी पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आप भी थम्सअप और माजा और लिम्का पीते हैं? और अगर पीते हैं तो कृपया करके थोड़ा कम पिएं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में चीनी रहता है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।